जाति होनी चाहिए, कायस चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, भूमिहार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब जाति से चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं जाति से चल रही है। ओह माय वेरी ओन एग्जिस्टेंस टू मंडल कमीशन बिकॉज आई एम इन द कॉरिडोर्स ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, मैं अपना अस्तित्व मंडल कमीशन के रिपोर्ट से जोड़ती हूँ कि जिनकी सिफारिशों के बाद मैं JNU तक पहुंच पाई। अगर शायद मंडल कमीशन ना होता, उसके बाद OBC का आरक्षण ना होता, तो पिछड़े तबकों के बच्चों के सपने धूल धूसरित होकर कहीं ना कहीं खो गए होते, हमारी आकांक्षाएं आशाएं कहीं मिट्टी में मिल गई होती। अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो वो सिर्फ मंडल और मंडल कमीशन के कारण ही है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जब बीबी मंडल पेश कर रहे थे तो पहले जब वो पत्र लिख रहे हैं, पहले पत्र में वो मेंशन करते हैं कि जब मैं डाटा कलेक्ट करने की बात कर रहा था, सोचा आखिर इसको एनालाइज कैसे करूं, तो डाटा जब देखने गए तो देखा कि अरे भाई ये तो गुलाम मुल्क का डाटा है मेरे पास, 1931 का है, आजाद भारत का तो कोई डाटा ही नहीं है, तो अगर आटा बांटने की बात आएगी तो मैं डाटा कहाँ से लाऊं। तो इसलिए उस समय उन्होंने उस समय के गृह मंत्री को पत्र लिखा, ज्ञानी जैल सिंह जी को, और पत्र लिखते हुए बोलते हैं कि कम से कम जो आगे आने वाली 1981 में जो जनगणना होने वाली है, एक कॉलम ऐड करवा दीजिए। साथियों, हमारी लड़ाई बस एक कॉलम की लड़ाई है, हम एक कॉलम की मांग कर रहे हैं कि हमको वहां जोड़ दीजिए, हमारे अस्तित्व को आप स्वीकारिए, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आप हमको ऊपर बिठा दीजिए, कम से कम इतना तो एक्सेप्ट कीजिए कि हम इंसान हैं, हमें बस आप इंसान मानिए। लोग कई बार अब जब वो पिछड़ा तबका जाति की बात करता है, दलित जाति की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये आता है, जाति है क्या, जाति होती है? अरे भाई सोशल इंस्टीट्यूशन उठा कर देख लीजिए, शादी.com से लेकर के मैरिज के जितने आर्टिकल आपको दिख जाएंगे, सब में गोरी लड़की चाहिए, उसके साथ में ये जाति होनी चाहिए, कायस चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, भूमिहार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब जाति से चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं जाति से चल रही है, और आप देश में जाति स्वीकारने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आखिर कब तक ये कीजिएगा? अभी जब भी आप जाति व्यवस्था की बात कीजिएगा, जातिगत जनगणना की बात कीजिएगा, तो वो बोलेंगे देश की सबसे बड़ी समस्या मेजोरिटेरियनिज्म है। लेकिन ये फेक मेजोरिटेरियनिज्म है, जहां पर आप 90% आबादी को आप देखना नहीं चाहते हैं और आप इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि देश मेजोरिटेरियनिज्म का सिर्फ खतरा है, खतरा हमारे हक अधिकार और हुकूक को है, उस खतरे को हमको इनके सामने क्लैरिफाई करना होगा। सबसे बड़ा दुखड़ा तो यहाँ शुरू होता है कि दुनिया भर में बच्चे नाम के साथ पैदा होते हैं, पर हमारे भारत में उपनाम के साथ पैदा होते हैं, और इसी उपनाम में हम नाम खोजने की लड़ाई ढूंढ रहे हैं, तो हमारी लड़ाई तो उपनाम में नाम बनाने की लड़ाई है। अभी आप देखिएगा कि मंडल कमीशन आने के बाद में यूनिवर्सिटीज का पूरा नक्शा बदला है, बहुत सारे नारों में वो आपको देखने को मिल जाएगा। हम जब JNU में आए, हम लोगों ने खुद का एक नारा तैयार किया, उस नारे को हम कहते हैं अर्जुन मंडल VP सिंह वी शैल फाइट वी शैल विन, कर्पूरी लालू VP सिंह वी शैल फाइट वी शैल विन, और ऐसे हमने पूरे डिस्कोर्स को चेंज किया है, और डिस्कोर्स चेंज करने का मौका तभी मिल पाया जब हम वहां पर पहुंचे। अब जब कोर्ट जाते हैं, जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं, कोर्ट डेटा मांगती है, दिया ना डेटा, बिहार ने डेटा दिया, हमने वहाँ पर कास्ट सेंसस करवाया, तेजस्वी जी और महागठबंधन की लीडरशिप में वहाँ पर हमने फोर्स किया, बोला पटना से दिल्ली घेर लेंगे ना तो बबुआ हमको दे दीजिए, हमको अधिकार अब लेना है। हमने वहाँ पर सर्वे करवाया, डाटा निकल करके आया, उसके बाद हम गए और हमने मांग की भाजपा सरकार से कि हमको 9th शेड्यूल में शामिल कर दीजिए ताकि हमारे अधिकारों का हनन आगे ना हो पाए। नहीं किया उन लोगों ने शामिल, और क्या हुआ, जब पटना कोर्ट में हाई कोर्ट में मामला गया, वहां से इसको रद्द कर दिया गया, तब तो हमको भी यहां पर बड़ा श्रूडनेस नजर आता है कि पहले जब जाते हैं अधिकार मांगने तो बोलते हैं डाटा दीजिए, जब डाटा लेकर के गए तो मेरिट का हवाला देते हैं, क्रीमी और नॉन क्रीमी बनाया उन लोगों ने। आर्टिकल 340 में लिखा गया कि वो पिछड़े तबके कौन होंगे जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े, आर्थिक का तो कोई सवाल ही नहीं था। जिस समय आपने उसमें आर्थिक जोड़ा, क्रीम जोड़ा, उसी समय में आपने संविधान की आत्मा को तरोतार किया, आपने उसके साथ गद्दारी की। इसीलिए लालू जी ने कहा कि जब आजादी के बाद जब क्रीम तैयार हो रहा था तो क्रीम एक तबका ले गया, हमको तो मट्ठों ने नसीब हुआ, तो ये मट्ठा मांगने की लड़ाई चल रही है साथी। खैर, अभी हम लोग जब कोर्ट में जाएंगे तो सीधी सी बात है, वी आर नॉट रिप्रेजेंटेड देयर। कल जब हम एक टॉक था JNU में, तो वहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आदिवासियों और दलितों की राजनीति में दिक्कतें क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। वहाँ पर प्रोफेसर MP राणा सर एक डेटा कोट करते हैं, लिटरली वो व्यक्ति, मतलब मानना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी, वो 1000 जजों का डाटा लेकर क्या कैलकुलेट किया, काउंट किया, उसके बाद मिला 1000 जज में मात्र 27 लोग OBC हैं।
जहां हम रिप्रेजेंटेड ही नहीं है वहां कैसे जस्टिस की बात करेंगे। और जब भी जातिगत जनगणना की बात होगी, रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, हम कोटा विद इन कोटा महिलाओं के आरक्षण में भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है जब वो लोग कहते हैं कि सभी महिलाएं बराबर हैं तो ये धोखा है। कैसे वो महिला बराबर हो जाएगी जो अभी तक नाले में है, जो अभी तक खेतों में वहां पर धान की रोपाई खेताई बुनाई कर रही है, जो मछली बेच रही है, जो फल का टोकरे लिए हुए बराबर हो जाएंगे उन महिलाओं के साथ? हो सकता है आपके साथ दोहन किया होगा। क्या हमने दोहन किया? दलित तबका दोहन किया या पिछड़ा तबका दोहन किया? हम तो पुरुषों के साथ लैंगिक भेदभाव के साथ साथ जातिगत भेदभाव झेल रहे हैं, तो हम तो दोनों स्तर पर मारे गए ना। तो सभी महिलाएं बराबर नहीं है। अगर वहां पर वृंदा करात बैठेंगी तो हम वहां पर भगवती देवी, फूलन देवी, राबड़ी देवी जैसी, मायावती देवी जैसी महिलाओं को भी देखना चाहते हैं, तभी इस देश में बराबरी को हम एक्सेप्ट करेंगे। जब रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे मंडल कमीशन का, तो वहां पर मेंशन करते हैं छठे पॉइंट पर कि हम सरकारी सेक्टर्स में हम प्रमोशन में रिजर्वेशन मांग रहे हैं, हम सोलवे में वो निजी क्षेत्र में आरक्षण मांग रहे हैं। जब भी निजी क्षेत्र में आरक्षण मांग रहे थे बड़ा दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? बोलेंगे तुम लोग बना के दिए थे कि तुमको निजी क्षेत्र में आरक्षण दे देंगे। भाई हम नहीं दिए। कैसे हम नहीं दिए? हम टैक्स दिए। सरकार ने तुमको 1 रुपये, 2 रुपये, 100 रुपये कट्ठा बीघा जमीन दे दिया और तुम वेलफेयर स्कीम लागू नहीं करोगे, तो वो फिर मेरिट का हवाला लेकर के आएंगे। जब भी मेरिट लेकर के आएंगे आप सीधे बोलिए इट इज द मोस्ट डूबियस कॉन्सेप्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट द वर्ल्ड। क्योंकि ये बहुत बड़ी धूर्तता है। कोई कभी भी मेरिट प्रिविलेज के साथ आता है। ऑब्वियसली जिनके पास एसी में कमरे हैं, चांदी के चम्मच में वो दूध भात खा रहे हैं, वो सीखेंगे बहुत सारी भाषाएं, वो बहुत आगे बढ़ेंगे, उनके लिए पीछे से सपोर्ट सिस्टम है। हमारे लिए कौन है? हम गिरेंगे तो सीधे धरा से ही हो जाएंगे। हमारे लिए कोई भी नहीं है पीछे। बहुत सारे वक्त है जो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं बस इतने बात से अंत करना चाहूँगी कि शुरुआत में ही बीपी मंडल जी ने कहा कि अगर इस रिपोर्ट का हाल भी काका कालेलकर की रिपोर्ट की जैसा हुआ तो वो तबका जिसके अंदर पीड़ा सदियों से चली आ रही है उसकी आशाएं आकांक्षाएं सब मिट्टी में मिल जाएंगी, तो ये उसका हाल मत होने दीजिए। साथ ही साथ एक और अपील रहेगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि लड़ाई में कोई और तबका आगे आता है, बोलता है हम लड़ाई लीड करेंगे। नहीं साथी, ये हीरो और सेवियर वाली कॉन्सेप्ट अपने झोली में रखिए। हमारी लड़ाई है, हम लीड करेंगे। मुद्दा हमारा, लड़ाई हमारी, संघर्ष हमारा, नायिका हमारी भूमि, और हम ही इसको लीड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय प्रसाद, जय मंडल सतरंग की सलाम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।